प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक के फिफ्थ चैप्टर दशहरा को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में भारत के प्रमुख त्योहार दशहरा के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, खुशी के साथ मनाए जाते हैं। बच्चों, इस पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध विशेष त्योहार है। यह त्योहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। शरद का अर्थ होता है बच्चों सर्दी, ठीक है। जब सर्दी के आने की शुरुआत होती है ना और वर्षा की समाप्ति का समय होता है, तब यह त्योहार मनाया जाता है। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना आश्विन माह, तो ये बच्चों हिंदी महीनों के नाम है। हम जनवरी फरवरी बोलते हैं, वो अंग्रेजी महीनों के नाम है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि समय को नवरात्र कहते हैं। दशहरे से 9 दिन पहले नवरात्रे आते हैं, उसमें देवी माता की पूजा की जाती है, ठीक है। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन, पहले दिन कलश स्थापना का होता है। जो लोग नवरात्रे रखते हैं वो अपने यहाँ एक घड़ा रखते हैं, कलश रखते हैं, ठीक है। एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, विजयदशमी दशहरा को कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में विजयदशमी यानी दशहरे के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है। तो बच्चों, ये जो दशहरा का त्योहार है ये बहुत पुराना है। ये हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता कि यह त्योहार कब से मनाया जा रहा है। वो हमें बताते हैं कि जब वो पैदा हुए थे उन्होंने अपनी जिंदगी में इस त्योहार को हमेशा मनते हुए देखा है। ये शुरुआत कब से हुआ है इसका उन्हें भी ज्ञान नहीं है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी पुराण संबंधी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। तो नवरात्रों की स्थापना किन्होंने की थी? अयोध्या के राजा राम ने की थी, ठीक है। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी, पूजा की थी। जब रावण सीता को उठाकर ले गए थे, उनका अपहरण करके ले गए थे, तो राम उनसे युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले 9 दिन तक भगवती माँ की पूजा की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार असीम शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात उसके बाद दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके उन्हें मारकर एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। जैसा कि आपको पता है बच्चों, रावण को हर साल जलाया जाता है ना उनके बुरे कामों के कारण। तो राजा राम ने हमें रावण जैसे अन्यायी से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। बच्चों, आपने दो हमारे ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण, तो रामायण में तो हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने महाभारत के बारे में भी सुना हुआ है? इसके तो टीवी में सीरियल भी आते हैं, ठीक है। इसमें 5 पांडव थे, उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को, तिथि का अर्थ होता है तारीख को, देवताओं के राजा इंद्र ने व्रतासुर नाम के दैत्य को, राक्षस को हराया था। बच्चों, देवताओं का राजा इंद्र होता है, ठीक है। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है। मुहूर्त का अर्थ होता है बच्चों शुभ समय। जब हमें कोई अच्छे काम करने हो तो हम मुहूर्त देखते हैं ना,
तो इस तिथि को शुभ मुहूर्त माना जाता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में, पुराने समय में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। उनको कहीं जाना होता था तो वो इसी दिन जाते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय पारायण इस पर्व के महान कर्म है, कार्य है। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष खेजड़ी का पूजन किया जाता है। बच्चों, शमी वृक्ष होता है खेजड़ी का पेड़। जैसा कि आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा राजकीय पेड़ कौन सा है, खेजड़ी का। ठीक है, तो खेजड़ी के पेड़ की इस दिन पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास है, उनका मानना है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। तेजस्वी होने का गुण प्राप्त होता है जो लोग खेजड़ी के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। अगर इस दिन हमें, नीलकंठ एक पक्षी है बच्चों, अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। विजयदशमी के पर्व का, इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण होती है रामलीला। बच्चों, आप रामलीला देखते होगे, दीपावली से पहले आती है, लोग मनाते हैं रामलीला। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन हो जाता है। तो 10 दिन रामलीला की जाती है। आप चित्र देख रहे हो बच्चों, इसमें तीन पुतले लगे हुए हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का। और नीचे आप देखिए, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। ठीक है, तो हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बच्चों, जब रामलीला दीपावली आने वाली होती है तो 10 दिन सभी जगह पर बड़े ही धूमधाम से रामलीला का आयोजन किया जाता है। जगह जगह रामलीला दिखाई जाती है, चाहे वो छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा की जाती है और गांवों में वहां के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। तो शहरों में तो जो रामलीला है उनके लिए मंडलियां बनी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो गांवों में रामलीला करते हैं उसमें गांव के लोग ही, कोई राम बन जाता है, कोई सीता, कोई हनुमान जी, कोई लक्ष्मण जी बन जाते हैं और वो अपना अभिनय दिखाते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। बच्चों, जो ये रामलीला दिखाई जाती है ना, तुलसी जी का एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, तो उसके आधार पर दिखाई जाती है। राम जन्म, रामलीला में क्या क्या दिखाया जाता है? सबसे पहले राम जी का जन्म हुआ था दिखाया जाता है, राम जन्म, फिर सीता स्वयंवर होता है, फिर लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। संवाद का अर्थ होता है बच्चों बातचीत, कि लक्ष्मण परशुराम जी के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। फिर सीता हरण, रावण सीता को हर कर ले जाता है। फिर हनुमान जी द्वारा लंका दहन की जाती है, हनुमान जी पूरी सोने की लंका को जला देते हैं। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होता है, रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। तो रामलीला में ये सब कुछ दिखाया जाता है। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है, देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। बच्चों, जो रामलीला होती है वो रात को दिखाई जाती है। ठीक है, तो देर रात तक वहां पर दर्शक होते हैं, जो रामलीला देखने आते हैं वो आते जाते रहते हैं। विजयादशमी का मेला लगता है, दशहरे पर मेला भी लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाकें पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है, जो बाजार का दृश्य होता है, नजारा होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। जहाँ विजयदशमी का मेला लगता है, जहाँ पर दशहरे का मेला लगता है, वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा, वहां पर क्या करते हैं, छोटी सी सोने की लंका बनाते हैं। ठीक है, गत्तों की, कार्टून के गत्तों की। ठीक है, उस पर सुनहरे रंग का कवर चढ़ा देते हैं तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। बच्चों, हमने ऊपर चित्र में देखा था ना, पुतले मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पर इस चित्र में देखो
मैदान में पुतले लगे हुए हैं रावण का, बीच में आप रावण देख रहे हो ना, तो रावण का जो पुतला होता है सबसे बड़ा और भयानक होता है, विकराल होता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, विकराल का अर्थ होता है भयानक। पुतला बनाने में लकड़ियां, बांस की खपचियां, अब बांस की खपचे होती है बच्चों, बांस की पतली लंबी काटी हुई डंडियां, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। तो उन पुतलों में को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? लकड़ियों की, बांस की, खपचों की, रंग बिरंगे कागज की, और पुतलों के अंदर भरने के लिए पटाखे भी चाहिए होते हैं। ठीक है, इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से, जो बड़ी बड़ी सड़कें होती है वहां से होता हुआ मैदान में पहुंचता है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त का अर्थ होता है बच्चों जब सूरज छिपने वाला होता है। तो राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को और लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। तो राम जी रावण और कुंभकर्ण के पुतले को जलाते हैं और लक्ष्मण जी मेघनाथ के पुतले को जलाते हैं। ये पुतले धू धू करके जलने लगते हैं, इसमें भरे पटाखे छूटे लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए, उद्घोष का अर्थ होता है बच्चों घोषणा करना, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सभी लोग रामचंद्र की जय बोलते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को न्याय की, सत्य की और धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दशहरे का त्योहार है ये बहुत पुराना है, तो रावण ने इतने बुरे कार्य किए थे कि आज भी हम उसके पुतले को जला रहे हैं। इसमें सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि इस दिन श्री राम ने अन्यायी और दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त की थी, कौरवों ने भी पांडवों के हाथों से मृत्यु प्राप्त की थी, और इंद्र देवता ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था। इस प्रकार इस त्योहार से न्याय, अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय की सीख मिलती है। जो कोई अत्याचार या बुरे काम करता है उसका हमेशा विनाश होता है, इसलिए हमें भी बुरे कामों से बचना चाहिए। तो बच्चों आज हमने इस पाठ को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।